Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ पूजा लूथरा. दोस्तों आज तक मैं अपने चैनल पर आपको ग्रूमिंग टिप्स देती आई हूँ, कैसे आप अपनी स्किन, अपने बालों की सुंदरता को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं, ये सब बताती आई हूँ. बट क्या केवल क्रिस्टल क्लियर स्किन पाना, गोरा रंग पाना, सुंदर लंबे बाल पाना, सजना संवरना और सुंदर दिखना, ब्यूटिफुल दिखना, क्या यही सब कुछ है एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए? मेरे पास बहुत सारे ऐसे लेडीज़ के, गर्ल्स के कमेंट्स आते हैं डेली बेसिस पर कि पूजा मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कद छोटा है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं है. भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है. अगर किसी को लंबा बना दिया, हो सकता है उसके फीचर्स अच्छे नहीं है या वो गोरा नहीं है. अगर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, हो सकता है उसको हाइट ना दी हो. और केवल बाहरी ब्यूटी, केवल आउटर ब्यूटी ही सब कुछ नहीं होती है. इनर ग्रूमिंग, इनर ब्यूटी भी उतनी ही ज़रूरी है. जितना फोकस, जितना ध्यान, जितनी तवज्जो हम आउटर ब्यूटी को देते हैं, अपनी अपीयरेंस को देते हैं, उतना फोकस अगर हम इनर ग्रूमिंग को दें, अंदर से स्ट्रांग, अंदर से कॉन्फिडेंट, अंदर से ब्यूटीफुल हो जाए ना, तो फिर हमारी लाइफ की काया पलट हो सकती है, इस समाज की काया पलट हो सकती है. तो आज विमेंस डे स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अंदर से स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपकी डॉटर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर नारी शक्ति को सम्मान करते हैं, अगर ये वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन. चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. दोस्तों कहने को तो हम कह देते हैं, बेटी है तो कल है, बेटी लक्ष्मी है. जिस घर में बेटी की किलकारियां गूंजती हैं, वहां कभी वास्तु दोष नहीं आता है. पर क्या इन सब बातों को दिल से मानते हैं? ये माना कि देश बदल रहा है, आज लड़का और लड़की में भेदभाव कम होता जा रहा है, पर अभी भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है. केवल अच्छा खाना खिला देना, केवल अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा के पढ़ाई करा देना, और फिर अच्छा लड़का देख के शादी कर देना, केवल यही काफी नहीं है लड़कियों के लिए. इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है. जैसे ही एक लड़की पैदा होती है ना, माँ बाप का एक ही सपना होता है, उसको दुल्हन बने हुए देखना और उसकी शादी करके उसको अपने घर में विदा कर देना. और ये बात बार बार दोहराई जाती है कि इसे तो एक दिन शादी करके अपने घर चले जाना है, ये तो हमसे जुदा हो जाएगी. मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, अपनी फैमिली में देखा है कि लड़की पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, हर क्लास में उसने टॉप किया है, MBA किया है अच्छे इंस्टीट्यूट से, एंड टॉपर रही है. लेकिन जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, अच्छा लड़का देख के शादी करा दी गई, और वो शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में कुछ ऐसी उलझी कि उसके जो कुछ कर दिखाने के, कुछ बनने के वो जो सपने थे, जो इच्छाएं थी, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया. इन सपनों को कभी मरने नहीं देना है, और इन सपनों को मरने से बचाने के लिए इनर ग्रूमिंग बहुत जरूरी है. अच्छी शिक्षा, अच्छे खानपान और सम्मान के साथ क्या देना है आपको अपनी डॉटर्स को, चलिए सुनते हैं. ग्रूमिंग टिप नंबर 1, रेज हर टू लीड. जब बिटिया चलना सीख रही होती है, आप कैसे उसके सहारे बनते हो, कैसे थोड़ी दूर खड़े हो जाते हो और फिर बाहें पसार लेते हो, और वो एक कदम भरती है तो आप तालियां बजाते हो, कितने एक्साइटेड होते हो जब वो पहला कदम रखती है. जब आपकी प्यारी सी बिटिया, आपकी परी बोलना सीख रही होती है, आप एक वर्ड को 10 बार, 15 बार, 50 बार उसके साथ साथ दोहराते हो, और जब वो वर्ड बोलती है ना, तो आपको जितनी खुशी मिलती है ना, वो बयान भी नहीं की जा सकती. एम आई राइट? कितना इंस्पायर करते हो उनको जिंदगी के पहले कदम रखने के लिए, जिंदगी के पहले वर्ड्स बोलने के लिए. उतनी ही इंस्पिरेशन, उतना ही उत्साह उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी चाहिए. और ये काम आप ही कर सकते हो, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता. ग्रूमिंग टिप नंबर 2, सिर्फ एग्जाम में टॉप करना ही सक्सेस नहीं है. ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने कभी एग्जाम में टॉप नहीं किया, लेकिन आज वो सक्सेसफुल हैं अपनी जिंदगी में, अपने करियर में. और ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने एग्जाम में हमेशा टॉप किया, लेकिन आज वो सक्सेसफुल नहीं है. और हर कोई तो टॉपर हो भी नहीं सकता है ना, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है.
हो सकता है किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक में हो, किसी का डांस में हो, किसी को बिजनेस का कीड़ा हो, बिजनेस करने की एक तड़प है मन में कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, हो सकता है किसी को स्पोर्ट्स पसंद हो। तो जहाँ मन लगता है, जो आप करना चाहते हो रियल वर्ल्ड में, वो कीजिए। सिर्फ एग्जाम्स में टॉप करने का टारगेट अपनी बेटियों को मत दीजिए, उनको रियल वर्ल्ड के लिए रेडी कीजिए। ग्रूमिंग टिप नंबर 3, मेक हर फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। आज हम 21st सेंचुरी में हैं और आज की नारी अबला बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग अपनी डॉटर्स को जरूर जरूर दीजिएगा और अपने डिसीशंस खुद लेने की ट्रेनिंग भी आपको उसे देनी है। उसे इतना सशक्त करना है कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ सके, वो दोराहे में ना खड़ी हो, दुविधा में ना खड़ी हो, अपने डिसीशंस खुद ले सके, वो अंदर से इतनी स्ट्रांग हो। पहले माँ बाप और फिर पति और बच्चों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को अपने डिसीशंस का आधार बिल्कुल मत बनने दीजिए। आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप अपने डिसीशंस कभी भी अपनी डॉटर पर ना थोपिए। अगर एज अ पेरेंट आप अपने डिसीशंस उन पर थोपते हैं तो फिर वो पूरी जिंदगी कोई डिसीशन ले नहीं पाएगी अपने आप। ग्रूमिंग टिप नंबर 4, जैसे ही लड़की बड़ी होना शुरू होती है ना, उसका फ्रीडम धीरे धीरे हम खत्म करते जाते हैं, उसके पंख काटने शुरू कर देते हैं। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे मेरी फैमिली ने ट्रस्ट नहीं किया होता, मुझे फ्रीडम नहीं दिया होता, तो आज 50 लाख लोग मेरे साथ ना होते। ट्रस्ट योर डॉटर, ट्रस्ट योर वाइफ, गिव हर फ्रीडम। अगर उसका कोई सपना है, अगर वो कुछ अचीव करना चाहती है लाइफ में, अगर कुछ बनना चाहती है, तो उन सपनों को पंख आप ही दे सकते हो, तभी वो उड़ान भर पाएगी। तो ये थी वो छोटी छोटी ग्रूमिंग टिप्स जिनसे मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई है। आज के दिन कुछ अनाउंस भी करने वाली हूँ, एक गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ। वो ये है कि आपकी पूजा लूथरा एक यूट्यूबर से एक एंटरप्रेन्योर भी बनने वाली है। बहुत ही जल्दी फ्लिपकार्ट पर मैं अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉज ग्रूम्ड टू लीड एंड टू मेक माई ओन आइडेंटिटी, टू बी इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए कहती हूँ, ग्रूम योर सेल्फ एंड योर डॉटर्स टू बी लीडर्स। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, कोई सपना है जिसे पूरा करना चाहते हो, कोई नई उड़ान भरना चाहते हो, तो आपकी एजुकेशन क्या है, आप सुंदर हो या नहीं, आप इंग्लिश बोल पाते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो सपने कहीं पोटली में बांध कर किसी संदूक में रख दिए थे ना, उनको जरा झाड़िए, फूकिए और फिर से जागृत कीजिए। सपने को पूरा करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं चाहिए, बस खुद पर विश्वास चाहिए, अपनों का साथ चाहिए। आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो, स्ट्रांग हो सकते हो। इवन मेरी तरह आप फ्लिपकार्ट पर सेलर भी बन सकते हो, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ऑल यू नीड इज़ ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स, अ प्रोडक्ट टू सेल एंड अ ड्रीम टू मेक इट बिग। इट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस, घर चलाने से भी आसान है और घर बैठ कर आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको पेंटिंग्स का शौक है, अपनी पेंटिंग्स को सेल कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर। अगर आपको ड्रेस डिजाइनिंग का शौक है, तो अपनी गारमेंट रेंज शुरू कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो। तो अपने शौक को, अपनी हॉबी को ही आप बिजनेस में तब्दील कर सकते हो। डू वॉट एवर यू लाइक and make it big. So, अपनी डॉटर को केवल मैरिज के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस लीडर बनने के लिए भी रेज कीजिए। एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी शेयर की है फ्लिपकार्ट ने, जिसकी क्लिपिंग आप देख पा रहे हो वीडियो में। पूरी क्लिपिंग देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। आपको इमोशनल कर जाएगी, कुछ सोचने पर मजबूर कर जाएगी ये स्टोरी, और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर सेलर कैसे बन सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू दैट वी आर बॉर्न टू लीड। लेट्स ऑल टेक अ प्लेज दैट वी विल रेज आवर गर्ल्स टू बी लीडर्स। अंत करती हूँ इस वीडियो का इस सुंदर सी कविता से। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से लोगों ने बांधे हैं पैर मेरे, लेकिन फिर भी हर बंधन को तोड़ जाऊंगी, कुछ करके दुनिया को दिखलाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन, कुछ मोटिवेशन तो ज़रूर मिली होगी, अंदर से स्ट्रांग होने की, अंदर से कॉन्फिडेंट होने की, एंड वो लीडर बनने की जो हम सब में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता
इस वीडियो से किसी की जिंदगी बदल जाए, क्या पता किसी के पंख जो कभी कट चुके थे वो फिर से उगाएं। मैं मिलूंगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। बाय बाय।